इसी बीच यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में जगह जगह और रोडवेज की बसों में आग लगाई गई है। संभल में प्रदर्शनकारियों ने रोडवेज की बसों को जलाकर खाक किया गया, बस आग गोले में तब्दील हो गई। सीए और आरसी का जबरदस्त विरोध, विरोध प्रदर्शन के बाद संभल चौधरी सराय में चौकी पर पथराव भी किया गया और दो रोडवेज की बसों में पथराव किया गया, उसके बाद उन्हें आग के हवाले कर दिया। फायरिंग पुलिस और पब्लिक के बीच हुई, लगातार तनावपूर्ण हालत है, हजारों की संख्या में पब्लिक सड़कों पर मौजूद थी, लेकिन इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से आम जन को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो संभल की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, रोडवेज की बस पर आग लगा दी गई और बस आग के गोले में तब्दील हो गई है। संभल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव टुडे पर। उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर विरोध जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर अब बसों में आग लगाने के मामले भी उत्तर प्रदेश से सामने आने लगे। रोडवेज की एक बस में आग लगा दी गई संभल में, तनावपूर्ण माहौल लगातार चल रहा है और आप देख सकते हैं कि धारा 144 लागू होने के बावजूद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। सीए का विरोध अब हिंसक होता नजर आ रहा है, जहां इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से आम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता के मन में डर है, वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जगह जगह पर आगजनी, ट्रांसपोर्ट बसों को जलाना, विरोध प्रदर्शन करना, हल्ला गुल्ला करना, पथराव होना, लाठीचार्ज होना, इस तरीके की तस्वीरें लगातार कई दिनों से सामने आ रही है। सीएए का विरोध हिंसक होता नजर आ रहा है। सुबह से ही उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और अब संभल में इन विरोधियों ने एक बस को आग लगा दी। संभल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस को आग के हवाले कर दिया और बस आग के गोले में तब्दील हो गई है, आप देख सकते हैं। सीए का विरोध हिंसक होता जा रहा है, सड़क पे बसों को जलाया जा रहा है, आम जनता अब घर से निकलने में डर रही है क्योंकि विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और इस तरीके की बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से सामने आ रही हैं, जहां धारा 144 लगने के बावजूद जनता को रोका नहीं जा रहा और इस तरीके का विरोध सड़कों पर चल रहा है।